अलैकुम रहमतुल्लाह, डेर मोहब्बतों के साथ बलिया आज आपकी खिदमत में हाजिर है। घर पर अगर मेहमान आ जाए तो क्विक अगर आपको कोई डिश चाहिए आज मैं वो बनाना सिखाऊंगा। ये है जी आज चिकन पुलाव, बहुत जल्दी क्विक बनाना सिखाएंगे हमारे साथ, बड़ा मजा आने वाला है। एक किलो चिकन के लिए मैंने जनाब ये ऑयल डाला है इसमें 200 ग्राम, और इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, इसमें जीरा, मोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। उसके बाद डालेंगे इसमें 2 नॉर्मल साइज के प्याज, माशाल्लाह ये देखें जी प्याज तक ब्राउन हो गए। अब इसमें जाएगा इसमें टमाटर, टमाटर वगैरह का भून लेंगे इसको, जाएगी इसमें 1 चाय वाला चम्मच सूख मिल जाएगी, 2 चाय वाले चम्मच नमक और जीरा और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय वाला चम्मच, इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे। इस फ्रिज में जाएगा अदरक और लहसुन का 2 चाय वाले चम्मच इसमें पेस्ट के, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, कच्चापन इसका दूर कर लीजिएगा। 1 किलो चिकन मसालों में इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए चिकन सारा फ्राई हो गया हुआ है और मसाले भी अच्छी तरह बनाई हो गई है। ये 1 किलो चावल इसमें डालेंगे, उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 3 गिलास पानी, और इस कंडीशन में डालेंगे सब्ज मिर्च कटी हुई ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जब बॉयल आ गया जी इसमें, पहले से मैंने भिगोए चावल इसमें डालेंगे अभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें अभी दम पे आ गए चावल। इस फ्रिज में डालेंगे इसके ऊपर धनिया, धनिया खूब डालिएगा ऊपर इसके अंदर। 10 मिनट के लिए इसको दम पे लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह ये देखें क्या खूबसूरत पुलाव तैयार हुआ है जी।